रिपब्लिक भारत आपका पसंदीदा, आपका नंबर वन, भारत का नंबर वन न्यूज चैनल अब एक नए अवतार में। मोदी जी ने भारत को बदला है और कांग्रेस की दुकान खाली हो चुकी है। कांग्रेस की दुकान में सामान नहीं रहा और जब कांग्रेस की दुकान में सामान नहीं है तो उलझुल बातें करते हैं। खड़गे साहब पिछले दिनों हरियाणा के अंदर आए थे और हरियाणा के अंदर इस प्रकार की मंच से बात बोल रहे थे कि ये लड़ाकुओं की भूमि है और यहाँ से ये 1 करोड़ नौकरी देने की बात कही थी। नीचे से पब्लिक का ही रिस्पॉन्स था खड़गे साहब को, शायद वो भूल गए हैं। लोगों ने ही कहा था कि यहाँ नौकरियाँ बिना पर्ची बिना खर्ची के मिल रही हैं, ये बात पब्लिक ने खड़गे साहब को जनसभा के अंदर नीचे से कहा था। और फिर उन्होंने क्या कहा कि हम तो लड़ाकू हैं, थारे को दे दी होंगी कहा नौकरियाँ। ये इस प्रकार का झूठ का प्रचार कांग्रेस क्योंकि बौखला चुकी है, आजकल झूठ का सहारा लेकर के लोगों को बरगलाने का काम करती है। आजकल वोट जिहाद ये कांग्रेस पार्टी की नीति है कि लोगों के अंदर झूठ बोल लो, उनको बरगड़ाओ और वोट ले लो। खड़गे साहब को अपने 60 साल के कार्यकाल में क्या क्या काम हुए हैं देश को बताना चाहिए ताकि आगे वोट ले सकें। बताने के लायक तो कांग्रेस के पास कुछ नहीं है। जब उनके पास कुछ नहीं है तो कौन उनको वोट देगा? खाली 35 वर्ष तक तो गरीबी हटाओ के नारे से वोट लेते रहे। किस प्रकार का शोषण किया है देश के लोगों का। विकास की जो गति थी वो गति को रोकने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। लोगों को लाइन में खड़ा करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। आज नरेंद्र मोदी जी देश को भी आगे बढ़ा रहे हैं, देश का सम्मान भी बढ़ा रहे हैं और देश को सुविधा अनुसार हर चीज़ मुहैया भी करा रहे हैं। 2019 के फरवरी में मैंने रिपब्लिक भारत शुरू किया। इतनी सपोर्ट मिली हमारे राष्ट्रवादी चैनल को कि 1 साल के अंदर भारत का नंबर वन चैनल हो गया। उसके बाद कई लोगों ने मेरे खिलाफ और रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के खिलाफ साजिश की, वो तो सब आप जानते हैं दोस्तों, दोहराने की ज़रूरत नहीं। आज मैं उन सब लोगों को कहना चाहता हूँ कि रिपब्लिक भारत एशिया के सबसे बड़े न्यूज़ रूम से ऑपरेट करेगा और एशिया के सबसे बड़े स्टूडियो कॉम्प्लेक्स जिसको हमने संघर्ष और तपस्या से बनाई। और आज मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जितने मेरे शुभचिंतक हैं जिन्होंने सोचा था कि अर्नब गोस्वामी को रिपब्लिक भारत से दूर कर देंगे, उन्हें फिर से सोचना पड़ेगा क्योंकि मैं अर्नब गोस्वामी कभी रिपब्लिक भारत नहीं छोड़ सकता और रिपब्लिक भारत पे ही मैं वापस आ रहा हूँ।